हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किलरेंस वॉल्यूम के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूज हम लोग आखिर में कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है और फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट के चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल के। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि किलरेंस वॉल्यूम क्या होता है। ये डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर पावर इंजीनियरिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम समझते हैं कि किलरेंस वॉल्यूम क्या होता है। किलरेंस कहने का मतलब है एक तरह का निकासी, मिस निकलने का स्थान। अब वॉल्यूम इस होता है मात्रा, मिस कितनी मात्रा में निकल रही है या कोई जगह से कितनी मात्रा में अंदर आ रही है या जा रही है, तो उस जगह को यहाँ पे किलरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसे हम लोग डीपली समझते हैं। तो इसको अगर डिफिनीशन के हिसाब से देखा जाएगा किलरेंस वॉल्यूम क्या होता है, तो किलरेंस वॉल्यूम यहाँ पे मैंने लिख के बताई है ये क्या कि किलरेंस वॉल्यूम इज ए वॉल्यूम बिटवीन द सिलेंडर हेड एंड द पिस्टन टॉप, मीन्स TDC मीन्स टॉप डेड सेंटर। कहने का मतलब है जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है वो एक तरह का वॉल्यूम होता है, आखिर में किसका वॉल्यूम होता है, सिलेंडर हेड एंड दी पिस्टन टॉप। मीन्स कहने का मतलब है कि इसमें जो सिलेंडर हेड है, मीन्स जैसे कि ये हमारा क्या है, एक तरह का CI इंजन है, कंप्रेस इग्निशन इंजन है। ठीक है, तो ये इंजन के अंदर कहाँ पर हमको क्लियरेंस वॉल्यूम देखने को मिलता है, ये जो नज़र आ रही है आपके सामने, ये चीज़ को क्या बोलते हैं, एक तरह का सिलेंडर हेड। और क्या बोल रही है ये कि पिस्टन, पिस्टन टॉप, मीन्स ये जो नज़र आ रही है हमारा रेड रंग की, ये जो हमारा पिस्टन है, तो पिस्टन की जो टॉप है, मीन्स ये दोनों का बीच का गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, किलरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग बढ़िया तरीका से हम लोग वर्किंग के दौरान समझेंगे आखिर में इसका क्यों यहाँ पे इसको यहाँ पे इस जगह को छोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे के पॉइंट में लिखी हुई है कि इट इज मेड ऑफ कॉपर, मीन्स ये जो क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर जो सिलेंडर बनना होता है, ये अंदर में जो इसकी चेंबर बनी होती है वो कॉपर की बनी होती है। ठीक है, कॉपर की इसलिए बनी होती है क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या, जो हमारा सिलेंडर जब वर्क करता है तो इसके अंदर इग्निशन उत्पन्न करता है, मीन्स एक तरह का आग उत्पन्न करता है, एक तरह का पावर जनरेट करता है। इसी कारण इसे एक तरह का काफ़ी अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से बनाया जाता है, वो भी कॉपर की बनी हुई होती है। यहाँ पे यूजेस की बात करते हैं, आखिर में ये हमारा इंजन में हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं, किलरेंस वॉल्यूम के यहाँ पे जगह के क्यों छोड़ा जाता है। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे यूजेस के तौर पे इसके लिख के बताइए क्या कि ईच टाइम द पिस्टन गोज अप इट कंप्रेस द फ्यूल एयर मिक्सचर इन द किलरेंस वॉल्यूम बिफोर इग्निशन टेक प्लेस। कहने का मतलब इसका यूज हम लोग इस CI इंजन में इसलिए किया जाता है या फिर SI यूनियन में, क्योंकि यहाँ पे ये जो नज़र आ रही है किलरेंस वॉल्यूम का जो जगह छोड़ी जाती है, तो यहाँ पर क्या होती है, जब हमारा ये पिस्टन है नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो इसके अंदर कंप्रेस पैदा करती है, हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी और इसके अंदर फ्यूल और एयर को मिक्सिंग करने के लिए जब ये कंप्रेस करती है, जब कंप्रेस करती है उससे पहले मिक्स कर देती है और दोनों को साथ में रख लेती है आपस में, पिस्टन जाती है तो यहाँ पर कंप्रेस करके आग उत्पन्न कर देती है। यहाँ पे मिक्सिंग करने के लिए इस किलरेंस वॉल्यूम को यहाँ पे छोड़ा जाता है, इसी कारण यहाँ पे इसका यूज होती है इस CI इंजन में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग किलरेंस वॉल्यूम का इसका यूज करते हैं। अगर बोल क्या चीज़ से होता है किलरेंस वॉल्यूम का, यहाँ पे मैंने लिख के बताइए कि कैपिटल भी और स्मॉल सी से यहाँ पे इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल भी और स्मॉल सी से इसे हम लोग डिनोट करते हैं। वर्किंग के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि आखिर में कैसे वर्क करता है, आखिर में किस तरह से यहाँ पे एयर और फ्यूल को मिक्सिंग करता है, उसके बाद यहाँ पे कंप्रेस करता है पिस्टन के सहयोग से। ठीक है, तो क्या है, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक तरह का सिलेंडर है। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर, ये हमारा एक तरह का पिस्टन है। ठीक है, अब क्या होती है, ये हमारा एक तरह का इनलेट है और ये हमारा एग्जॉस्ट है, मीन्स यहाँ से एयर इनलेट होती है और यहाँ से जो बर्निंग गैस से निकलती है, और ये चीज़ को ऊपर वाले यहाँ पे, ये जगह पे हम क्या बोला जाता है, सिलेंडर हेड बोला जाता है। ठीक है, ये जगह को यहाँ पे सिलेंडर हेड कहते हैं, सिलेंडर हेड है, और ये जगह को क्या बोलते हैं, पिस्टन टॉप। ये जगह को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पिस्टन टॉप मैंने कहा के बताइए, पिस्टन टॉप है और यहाँ पे एक तरह का इसे हम लोग TDC भी कह सकते हैं, मीन्स टॉप डेड सेंटर भी कह सकते हैं, और जस्ट नीचे वाला भाग पर हम लोग BDC मीन्स बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ को तो यहाँ पे पिस्टन टॉप भी बोल सकते हैं इसको और टॉप डेड सेंटर भी कह सकते हैं, मीन पिस्टन मेरा इससे ऊपर मूव नहीं कर सकती है, मीन आखिरी यहीं पर टॉप डेड सेंटर तक ही मूव कर सकती है। ठीक है, सिलेंडर हेड और हमारा या पिस्टन टॉप ये दोनों को जगह को यहाँ पे हम पहले बताया आपको किलरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, ये हमारा एक तरह का क्या हो जाती है, इस चीज़ को यहाँ पे पिस्टन
रड बोलते हैं, पिस्टन रड हो जाती है। ये हमारा एक तरह बीच में जो लगी हुई इसको बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट, और ये हमारा जो ये जो नजर आ रही है हरे रंग की इसको क्रैंक बोलते हैं, ठीक है। ये मिस रोटेशन करने में हमारा पिस्टन को मूवमेंट अप डाउन रेसिप्रोकेट कराने में मदद करती है, मिस टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, ठीक है। ये चीज़ को यहाँ पे पूरी तरह से कवर चीज़ को यहाँ पे बोलाता है क्रैंक कवर, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन होती है। अब वर्किंग में क्या होती है कि देखिए कैसे क्लीनेस वॉल्यूम यहाँ पे किस तरह से एयर और फ्यूल की मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे कंप्रेस करने बाद आग लगाती है, तब जाके इंजन को हमें पावर मिलती है। देखिए क्या होती है, जैसे कि यहाँ से एयर इन होती है, हमारा एयर इन होती है, और हमारा ये जो नज़र आ रही है आपके सामने क्लीनेस वॉल्यूम में एयर इन होगी, और यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर में धीरे धीरे ड्रॉपलेट करके यहाँ पे फ्यूल को गिराता है, ठीक है। फ्यूल को गिराएगा तो हमारा जैसे पिस्टन यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट मूव करेगी, और हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, देख सकते हैं नीचे से मूव की और हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो ऊपर में जो कंप्रेस एयर है और इसमें जो फ्यूल है उसको मिक्स कर देती है, और एक तरह का उसे उसे आग लगाने में बहुत ही मदद करता है, मिक्स एक तरह का मिक्सिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है क्लीनेस वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्लीनेस वॉल्यूम कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको इसको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि क्लीनेस वॉल्यूम किसे कहते हैं। तो वीडियो देखेगा, थैंक यू। चैनल में नहीं आए तो चैनल को कल सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।